हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जुड़ सके फिर हम लोग आप लोग के सामो। फिर आज हम लोग काम पे जा रहे हैं, पीछे से भैया लोग आ रहे हैं। कैसे आप सब? ठीक ही होंगे, ठीक ही रहना, तंदुरुस्त रहना। हम लोग तो सुबह उठना पड़ता है, फिर काम के लिए निकलना पड़ता है गाइस। काम तो डेली करना ही पड़ता है, पैसा पैसा एक ऐसा चीज है ना गाइस, पैसा अगर जेब में नहीं होगा ना तो कसम सांस ही नहीं आएगा यार। ओ ब्रुसिता, छिटो छिटो। रास्ता ही बहुत कीचड़ कीचड़ है, चल के जाना पड़ता है। अभी जा रहे गाइस, काम करेंगे आप लोगों को, फिर कैरेट का दर्शन कराएंगे, कैरेट दिखाएंगे। देखिए, एंजॉय कीजिए और बने रहे मेरा वीडियो में। जब तक मैं इधर पे काम कर रहा हूँ तब तक आप लोगों को पूर्ति का सीन और कैरेट का काम दिखाते रहूँगा। मेरा वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके बोल दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिए गाइस, तभी मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा गाइस, मेरे को भी वीडियो बनाने का मन करेगा। लोग लाइक कमेंट करेंगे तो देखते रहे, बने रहेगा इस मेरा वीडियो में। ये देख सकते हैं गाइस, रास्ता ही बहुत कीचड़ कीचड़ है। ये आप सब सो रहे होंगे, हम लोग तो कहाँ पे जा रहे हैं गाइस। अभी सुबह का 5:30 हो रखा है, 5:30। तो हम सब लोग कहाँ पे जा रहे हैं, उधर भी भैया लोग जा रहे हैं, कालचीनिंग का है वो लोग, कालचीनिंग ब्लॉक का। चलते चलते बहुत थक जाता है गाइस, देखते रहिए, मैं दिखाते रहूँगा आप लोगों को वीडियो, अच्छे से अच्छा बनाने का कोशिश करूँगा। सो आधा रास्ता तक आ चुके, आधा रास्ता पहुँच चुके, पहुँचने वाले हैं गाइस। जाएंगे, काम करेंगे, आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, देखते रहिएगा। मेरा भाभी हंस रहा है, आगे जा रहा है भाभी। बहिनीहरू आउँदैछ, भाभी है कहाँ गएको? सबै उयसमा युट्युबमा एउटा तिमीहरूको बारी खाली गऱ्यो, एउटा यताले म यो मन्डे थिएन, हामी त्यो बारी गएन त, त्यो बारी आज प्रदीपलाई लान्छ होला, प्रदीप आज हाम्रोमा हेऱ्यो नि त। नयाँ बारी हो तिमीहरूको, त्यो 100 रुपियाँ छ, 100 रुपियाँ खै। ऊ गनीले भनिहाल्यो, एकजना मान्छे खाली थियो, गनीले भनिहाल्यो, फेरि मान्छे बेसी भएर गुरुहरू नआउने, 8 सेट भयो, 7 सेट मात्रै बोलाउँदैछ मैले। त्यो एउटा बारी छ यहाँदेखिको त्यो मन्दिर बोक्नुपर्छ, त्यति लामो बाटो छ। पैसा अब हामीलाई 200 रुपियाँ भनेको 130 रुपियाँ लाग्यो, पहिलो मालिकले 50 रुपियाँ गटारे, टुन नोला बना बोला भनेको छु। नेपाली है, नेपाली भाषामा बात गर्दा है, आप लोगसँग नै आएगा तो म हिन्दीमै बोलुँगा। सब लोग काम पे जा रहे हैं। दिपेन त अस्ति मसँग आउँदा आउँदा किन छुटेको? ऊ त जबरजस्ती बोलाएर उता फुट्दैन,
झन् डेली आएर चाहिँ मैले भनेन डेली काम दिन्छु कतै नजानु भनेर, तपाईँहरू एक जग्गा कन्टिन्यू आउँदै आउँदैन अन्त मान्छे पाएन भने मलाई टेन्सन हुन्छ। जबरजस्ती जुम किसम गरेर पहुँच चुके हैं फिर से हम लोग काम पे गाइस। रोज की तरह आज भी हम लोग काम स्टार्ट कर दिए, काम कर रहे हैं सभी लोग, कोई खोद रहा है कोई तोड़ रहा है, सभी अपना अपना काम कर रहा है। रहिए दोस्तों मेरे साथ, मैं कैरेट का व्यू दिखाते रहूँगा आप लोगों को। देखिए कैरेट का काम ऐसे होता है और कैरेट खोदना कैसे, देखिए देख के एंजॉय कीजिए आप लोग भी और मैं भी इधर काम करूँगा। फिर मैं गाइस इतना अच्छा है ना गाइस, बहुत बड़ा बड़ा है देखिए। और ये मेरा भैया तोड़ रहा है, ऐसे ही होता है गाजर का काम। आप लोगों ने गाजर का हलवा खाया होंगे, गाजर का हलवा बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो गाजर निकालने में इतना मुश्किल होता है, वो निकालने वाले को ही मालूम है। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो भारी उठाने में होता है गाइस, जो कि हम लोग भारी उठाता है उसमें इतना मुश्किल, इतना तकलीफ, इतना दर्द होता है ना, वो हम लोगों की मालूम है। तो देखते रहिए मैं दिखाऊंगा कैसे उठाता है कैसे बोकते है, तो बने रहिए मेरे वीडियो में। अब ये देखिए कैसे उठाता है, देखते रहिए। थैंक यू सर यार। ओ गन्दा मुढा बोक्दा कस्तो हुन्छ हौ आमानिज, यता र न मजा आयो गन्दा मुढा बोक्नु। सबै लोग इतना थक चुके हैं गाइस, किसी के मुँह से कोई बात ही नहीं निकल रहा है। ऐसा है गाइस कैरेट का काम। ये देखिए मेरा जीजा जी आ रहा है ना, वजन होता है ना गाइस कम से कम भी 100 से ऊपर, 100-100 के ऊपर, कम में भी 90 तो होता ही गाइस, इतना भारी होता है ना असम से। बात ना जब इतना वजन बोक के, इतना भारी बोक के जब गाड़ी में आके जब गाड़ी में डाल देते हैं ना, तब जो चेहरे में जो स्माइल आता है ना, वो स्माइल कसम दिल में छू जाता है गाइस। अभी ये मेरा काका आ रहा है, देख लीजिएगा अभी देखा स्माइल देखिए, इतना सुकून। हम लोग मुठा लेके गाड़ी में डालते तब ऐसा लगता है कि अपना सर से बोझ ही खत्म हो गया गाइस। अब ये देखिए आप लोगों का भाई आ रहा है, जो कि मैं हूँ गाइस। सब लोग उठाता है तो मैं भी उठाना ही पड़ेगा, बोकना ही पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, घर में देखना पड़ता है गाइस, पैसा कमा के घर में भेज देना पड़ता है। ये देखिए अभी ये मैं हूँ, इतना भारी है ना क्या ही बताओ, बहुत भारी है। आ रहा है मेरा दोस्त, ये भी लेके आ रहा है। Thank you.
आप लोगों का भाई इतना मेहनत से वीडियो बना रहा है, काम कर रहा है गाइस। इसके लिए गाइस प्लीज एक लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कैसा लगेगा। आप लोग बताएंगे तभी मेरे को भी वीडियो बनाने का मन लगेगा गाइस। तो मेरा आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक